दोस्तों देखते हैं, इधर से मैंने आपको दिखाई, बहुत ही अच्छा लगा। और अंकल जी हर ने, अंकल जी आपने भी देखे, धर्मेंद्र जी आए थे जब, धर्मपा जी आपने भी देखे थे, और रणबीर कपूर भी आया था ना, वो भी देखे आपने, वो काला सा कोट पहन रहा था। अच्छा तो जब आए थे तो आपसे भी बात कर रहे थे बढ़िया तरीके से? नहीं नहीं, आप पहले यहाँ नहीं थे हम। अच्छा पहले आप यहाँ नहीं थे, बट आपको पता था यहाँ पे आए थे वे? जी। तो मतलब कितने दिन रुके होंगे जैसे समथिंग? सनी देओल आया थी, बॉबी देओल आया थी, सारे आए, अजय देवगन भी आया था ना, अजय देवगन आया था। जी जी। तो अंकल जी जैसे सिद्धू मूसेवाला जो भैया थे हमारे, वो भी आए थे यहाँ पे गाना वगैरह शूट करने? वो तो देखोगे आपने शायद, सिद्धू भैया। जी जी, मेरे से पहला ही। जी तो आपको कितने साल हो गए जैसे रहते रहते यहाँ पे? जैसे मेरे को होया ना 8 महीना होया। 8 महीने हो गया? तो 8 महीना होया भाई, और उसमें शूटिंग वगैरह चलती रहती है जी, पिक्चर तो ज़्यादातर मतलब बनती रहती होगी जी। रुकते कहाँ जी, जैसे यहीं पर रुकते हैं? और चले जाते हैं, चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं शूटिंग करने। सुबह आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी शूटिंग होती है यहाँ पे, बता रहे कि सुबह आते हैं, सुबह ही शूटिंग करके चले जाते हैं, रुकता कोई नहीं इसमें। और अंकल जी तो इधर ही रहते हैं अंकल जी, है ना। दोस्तों ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। नमस्कार भाइयों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा पंजाबी लोगों का रहन सहन, पंजाब में जो घर कैसे होते हैं जी। ये पंजाबी लोगों का गाँव है बागड़िया, और यहाँ पर जाट परिवार रहता है, और यहाँ पर इस प्रकार की हवेलियाँ होती है भाइयों देखने लायक। ठीक है, ये देखो भाई, पंजाब में ऐसी ऐसी हवेलियाँ बनी होती है जी। दोस्तों ये अंकल यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। ओ सत श्री अकाल पा जी, सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, ये देखो भाइयों, ये घोड़ी है अंकल जी। कौन सी नस्ल की होगी ये घोड़ी? थार नस्ल की। ये देखो भाई, तो पिक्चरों में इसको लिया जाता है जी, यहाँ से देख सकते हैं। गाने में भी लिया जाता है ना अंकल जी, गाने में भी आती है वो घोड़ी, और पिक्चरों में तो आती है भाइयों। अब चलते हैं जी। तो दोस्तों देख सकते हैं एक हवेली इधर भी है, इसमें शायद मुझे लग रहा है नौकर चाकर रहते हैं वे। अंकल जी ने बताया कि इसमें रहते हैं वे, इस उनका रहन सहन इसमें है जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो भाइयों, इधर देख सकते हैं खेत खलिहान है जी, इधर साइड में अंकल जी हैं, और ये इनकी हवेलियाँ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे इस बारे में। ठीक है, और ये इनका पिंड है बागड़िया, बागड़िया पिंड है जो कि जट पिंड है जी। ठीक है, पाजी से मैं बातचीत करूँगा। पाजी सत श्री अकाल जी। पाजी जो पिंड है, की नाम है इस पिंड का? बगड़िया पिंड। ये जट जट पिंड है सारा भाई की बगड़िया, हर किस्म का बंदा थे, हर किस्म का बंदा रहता है इतने। अच्छा तो दोस्तों देखते हैं ये पिंड है जी, और इस प्रकार के खेत खलियान होते हैं। तो अंकल जी जो हवेली है आपकी है जी, इसमें आप रहते हो है ना, नौकर चाकर इसमें रहते हैं ना? हाँ। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा दूँ, और ऐसी ऐसी कितनी हवेली जी अंकल जी, जैसे यहाँ पर बड़ी है अंदर, इससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी है अंदर, अंदर इस वाली से भी बड़ी है। वो किधर है अंदर? अंदर सीधा जो सीधा जाके आगे जाके ना मंदिर है, मंदिर से सामने दिखने गेट। अच्छा वो इससे भी बड़ी। एक बार आपको इधर से दिखाते हैं, ये देखो भाइयों, ये देख लो जी, इस प्रकार की है, और इसमें जो है अंकल जी रह रहे हैं जी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों इधर से, ये देखो भाई यहाँ पे लेटते हैं जी अपना। ठीक है दोस्तों, ये देखो भाइयों, जट पिंड रहता सारा। ठीक है, और भाइयों हवेली बढ़िया है वैसे, देखने लायक है अभी हवेली। ठीक है, और ये साइकिल जैसे पंजाब में होती हैं। ठीक है, और ये अपना जैसे किसान ही है भाइयों, ज़्यादातर जैसे सभी जगह रहते हैं अपना किसान। ठीक है, इस प्रकार के पंखे चलते हैं जैसे, ये देख सकते हैं, ये रसोई है, काफ़ी पुरानी रसोई है जी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये लॉकड है शायद अंदर से, इधर से देख लो भाई, रसोई है जी। और ये पिंड बसा हुआ है बागड़िया पिंड, ये काफ़ी बड़ा पिंड है जी। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ से नलके चलते हैं पंजाब में, ऐसे नलके चलते हैं जी। और देखो भाइयों, ये हो भाई पंजाब का अमरूद खाएंगे भाइयों, कैसा होता है हमारे इधर का तो बढ़िया होता है, पंजाब का खा के देखेंगे। ये देखो भाई पंजाब का अमरूद खा के देखूँगा मैं कैसा होता है, और ये देखो कितनी सुंदर हवेली है जी। दोस्तों देखते हैं, इधर से मैंने आपको दिखाई, बहुत ही अच्छा लगा। और अंकल जी हर ने, अंकल जी आपने भी देखे, धर्मेंद्र जी आए थे जब, धर्मपा जी आपने भी देखे थे, और रणबीर कपूर भी आया था ना, वो भी देखे आपने, वो काला सा कोट पहन रहा था। अच्छा तो जब आए थे तो आपसे भी बात कर रहे थे बढ़िया तरीके से? नहीं नहीं, आप पहले यहाँ नहीं थे हम। अच्छा पहले आप यहाँ नहीं थे, बट आपको पता था यहाँ पे आए थे वे? हाँ। जी तो मतलब कितने दिन रुके होंगे जैसे समथिंग? सनी देओल आया थी, बॉबी देओल आया थी, सारे आए, अजय देवगन भी आया था ना, अजय देवगन आया था। जी जी। तो अंकल जी जैसे सिद्धू मूसेवाला जो भैया थे हमारे, वो भी आए थे यहाँ पे गाना वगैरह शूट करने? वो तो देखोगे आपने शायद, सिद्धू भैया। जी जी, मेरे से पहला ही। जी तो आपको कितने साल हो गए जैसे रहते रहते यहाँ पे? जैसे मेरे को होया ना 8 महीना होया। 8 महीने होया जी? तो 8 महीना होया भाई, और उसमें शूटिंग वगैरह चलती रहती है जी, पिक्चर तो ज़्यादातर मतलब बनती रहती होगी जी।
रुकते कहाँ हैं जी? जैसे यहीं पे रुकते हैं वो, और चले जाते हैं, चले जाते हैं फिर सुबह आते हैं शूटिंग करने। हाँ, तो दोस्तों ऐसी शूटिंग होती है यहाँ पे, बता रहे कि सुबह आते हैं, सुबह ही शूटिंग करके चले जाते हैं, रुकता कोई नहीं इसमें। और अंकल जी तो इधर ही रहते हैं अंकल जी, है ना दोस्तों? ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगा, नमस्कार जी, राम राम जी।